नमस्ते, मेरा नाम है दिशा और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे हिंदी चैनल पर जिसका नाम है डिज़ाइन डेकोरन दिशा। चलिए आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसको जाना जाता है गॉड्स ओन कंट्री के नाम से, और ये भारत का बहुत ही सुंदर प्रांत है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ केरल की। केरल ना ही सिर्फ प्राकृतिक रूप से बल्कि इसके जीव जंतुओं, इसके रंग बिरंगे त्योहारों और इसकी निराली संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, बहुत समृद्ध है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, और इन्हीं मंदिरों और गिरजाघरों की दीवारों पर आपको देखने को मिलेंगी भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला जिसका नाम है म्यूरल पेंटिंग्स। चूँकि मैंने अभी तक अपने हिंदी चैनल पर कोई भी भारतीय चित्रकला के बारे में ट्यूटोरियल नहीं डाला है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसकी शुरुआत आज म्यूरल पेंटिंग से करूँ। मैंने म्यूरल पेंटिंग के बारे में बहुत शोध की है और पहले भी मैंने एक म्यूरल पेंटिंग बनाई है जो कि ये है, और इसलिए मैं थोड़ा कुछ इसके बारे में जान चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी म्यूरल पेंटिंग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी एक नई चित्रकला, भारत की प्राचीन चित्रकला के बारे में जानकारी मिले। तो कोई भी चित्रकला सीखने से पहले जो कि भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है, तो ऐसी चित्रकलाओं को सीखने से पहले उनके इतिहास को, उनकी शैली, उनका विषय और उसकी पूरी प्रक्रिया को जान लेना बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको म्यूरल पेंटिंग का थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहती हूँ। तो म्यूरल पेंटिंग्स जो है वो बहुत ही भारत की प्राचीन चित्रकला है और ये केरल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, और ऐसा माना जाता है कि 7वीं-8वीं सदी के लगभग इसकी शुरुआत हुई थी। और ये भी कहा जाता है कि दीवारों पर चित्रकला करने का जो प्रचलन है वो केरल में ही शुरू हुआ था। अब जान लेते हैं कि इस चित्रकला का विषय क्या होता है। तो म्यूरल पेंटिंग्स में सबसे ज़्यादा हिंदू देवी देवताओं का ही वर्णन होता है, जैसे आपको गणेश, लक्ष्मी या शिव पार्वती या कृष्ण भगवान, इस तरह से आपको देवी देवताओं के आकृतियां देखने को मिलेंगी। या कभी कभार आपको देखने को मिल सकते हैं हंस या मोर, जिनका पौराणिक कथाओं में काफ़ी वर्णन हुआ है। केरल के त्रिशूर में भगवान गुरुवायूर का जो मंदिर है वहाँ पर आपको बहुत प्राचीन म्यूरल पेंटिंग्स देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी पर्यटक वहाँ सिर्फ म्यूरल पेंटिंग्स को ही देखने जाते हैं। अब जान लेते हैं म्यूरल पेंटिंग्स की शैली के बारे में। तो इन्हें बहुत ही गहरे रंगों से बनाया जाता है, जैसे कि लाल, गेरुआ, पीला, हरा और नीला। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात होती है म्यूरल पेंटिंग्स में वो होती है शेडिंग। शेडिंग बहुत अच्छे तरीके से की जाती है, आकृतियों को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया जाता है। ये सभी आकृतियाँ एक अनुपात में होती हैं, जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश चैनल पर एक बार वार्ली पेंटिंग के ट्यूटोरियल में बताया था कि उसमें अनुपात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है, लेकिन इसमें जब भी कोई आकृति बनाई जाती है तो उसमें अनुपात का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हाथ, पैर और पूरा जो शरीर है वो सब अनुपात में होना चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में इसे दीवारों पर किया जाता था तो प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी, लेकिन आजकल आप इसे कागज़ या कपड़ों पर भी कर सकते हैं तो प्रक्रिया उतनी लंबी नहीं है, और साथ ही आपके पास इतने तरह के रंग मौजूद हैं कि आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ ध्यान में रखने वाली बात होती है शेडिंग। शेडिंग करने के लिए आपका हाथ थोड़ा साफ होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि पहले एक छोटा कागज़ लेकर आप उस पर छोटी छोटी आकृतियाँ बना लें और उस पर आप शेडिंग कर करके देखें। जब आपका हाथ साफ हो जाए तब आप इसे किसी बड़ी सतह पर बनाएं। म्यूरल पेंटिंग बनाने के लिए मैंने लिया है A4 130 GSM आर्टिस्ट पैड, पेंसिल, एक्रिलिक कलर्स और पेंट ब्रशेस। सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर लूँगी, मुझे फ्री हैंड ड्रॉ करना पसंद है। आप चाहें तो अपनी पसंद की फिगर्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। Thank you.
इस तरह के पैटर्न्स म्यूरल पेंटिंग में बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इन्हें आप ज़रूर बनाएं। एक बार जब अपनी डिज़ाइन से आप संतुष्ट हों तो आप एक फाइन टिप ब्लैक पेन को लेकर इसे ट्रेस कर सकते हैं, या डार्क पेंसिल से भी आप इसे ट्रेस कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है रंगों को भरने की, जिसके लिए मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है कलर वॉश। इसमें मैं सबसे पहले पैटर्न के अंदर एक कलर को फिल करूँगी और ब्रश को पानी से भिगाकर मैं सेंटर से उस रंग को ब्रश की सहायता से निकालने की कोशिश करूंगी, जिससे कि वो हल्का हो जाए। तो यहाँ पर उद्देश्य ये होता है कि आपको म्यूरल पेंटिंग में जो हर पैटर्न है उसके अंदर जो मध्य भाग होता है वो आपको हल्के रंगों में रखना होता है, और जो उसकी एजेस होती हैं, जो आउटलाइन होती है, वो आपको डार्क रखनी होती है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से एक्स्ट्रा कलर जो था, एक्सेस कलर सेंटर पार्ट से, वो पानी की सहायता से, ब्रश की सहायता से हटा दिया है, जिससे कि वो हल्का लग रहा है और आउटलाइन जो है वो गहरे रंग में दिख रही है। तो पानी से रंगों को तभी हटाया जाता है जब रंग गीले होते हैं। एक बार रंग सूख जाएंगे तो उन्हें आप पानी से नहीं हटा सकते हैं, इसलिए इसे जल्दी जल्दी करना होता है। दूसरा तरीका है कि सभी पैटर्न्स में मैंने पहले हल्के रंगों को भर दिया है और इसके बाद मैं गहरे रंग से उसकी आउटलाइन करूंगी, लेकिन इसके लिए मैंने रंग में बहुत ज़्यादा पानी मिला लिया है, जिससे कि वो बिल्कुल थिन हो गया है। रंग और पानी का अनुपात मैंने 70% और 30% रखा है। एक बार आउटलाइन बना लेने के बाद ब्रश को मैंने पानी में डुबाकर और हल्का सा मॉइस्ट किया है, बस हल्का सा गीला किया है। ध्यान रहे उसमें बहुत ज़्यादा पानी ना हो, जो ड्रिप होने लगे इतना पानी ना हो, सिर्फ वो ब्रश जो है वो हल्का सा गीला हो, और फिर आप उसे आउटलाइन पे दोबारा एक बार चलाएंगे तो हल्के और गहरे रंग आपस में बिल्कुल अच्छी तरह से मिल जाएंगे, वो अलग उठे हुए नहीं दिखेंगे, और इस तरह से शेडिंग बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। यहाँ मैं आपको एक बार और दिखा रही हूँ। सबसे पहले हल्के रंगों को भरें, फिर गहरे रंग से आउटलाइन दें, फिर ब्रश को पानी में डुबाकर हल्का सा गीला करके और हल्के और गहरे रंग को मिलाने की कोशिश करें। Thank you.
देखिए शेडिंग क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है म्यूरल में, यहाँ आपको देखने को मिल सकता है। कुछ पैटर्न्स मैंने बिना शेडिंग किए छोड़ दिए हैं और यहाँ ये सभी जो हैं इनमें मैंने शेडिंग की हुई है, तो अंतर साफ है। और यहाँ पर मैं आपको कलर की कंसिस्टेंसी दिखा देना चाहती हूँ कि मैंने इसमें कितना पानी मिलाया है, जिससे कि आउटलाइन बनाना आसान हो। इस तरह से ब्रश को धोकर उसे पोंछकर और गहरे और हल्के रंगों को मिला दिया जाता है, जिससे कि शेडिंग बहुत ही परफेक्ट लगती है। शेडिंग पूरी हो जाने के बाद सबसे आखिर में काले रंग से सभी पैटर्न्स को आउटलाइन दी जाती है। अगर आप काला रंग नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसी रंग के डार्क शेड से आउटलाइन बना सकते हैं। इसी तरह से मैं बैकग्राउंड भी बनाऊंगी। यहाँ आप ब्रश के स्ट्रोक्स का ध्यान रखें किस तरह से मैं कर रही हूँ। और सबसे पहले मैंने गहरे रंगों को लिया है, जो कि मैं बाहर की तरफ रखूँगी, और सेंटर पार्ट को मैं लाइटर रखने के लिए पीला रंग भरूँगी। अब ये फिगर को ख़राब ना कर दे, इसके लिए मैंने उधर थोड़ी जगह छोड़ दी है, जिसे मैं पतले ब्रश की सहायता से आउटलाइन बनाकर फिल करूंगी। यहाँ मैं फिनिशिंग टचेस दे रही हूँ, जो भी जगह छूट गई थी उनमें रंग भर रही हूँ, और म्यूरल पेंटिंग तैयार है। ये उसका फाइनल लुक देखिए। Thank you.
उम्मीद करती हूँ आपको ये म्यूरल पेंटिंग ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आप इसे बनाते हैं तो आप ज़रूर मेरे साथ इसकी पिक्चर शेयर करिए। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी मैंने यहाँ ऐड कर दिए हैं। और मैं भारत की ऐसी कई प्राचीन और प्रसिद्ध चित्रकलाओं के बारे में ट्यूटोरियल शेयर करती रहूँगी। तो आज तक के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल लव लक एंड सनशाइन। बाय बाय।